तो हेलो एवरीवन, फाइनली सीपीयू 2024 के आपके शेड्यूल आउट हो चुके हैं। फिजिकल डेट्स हमारे पास आ गई हैं। 14 अक्टूबर से आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे, ठीक है। सारे रीजन्स के अभी आउट नहीं हुए स्टेटस, जितने आए मैं अभी दिखा देता हूँ। दो तीन रीजन के आए हैं, बाकी के भी आ जाएंगे आपके पास एक दो दिन में। तो सबके लगभग मोस्ट प्रोबेबली 14 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट नहीं पता है अभी हमें, लास्ट डेट क्या होगी वो डिफर करती है स्टेट रीजन टू रीजन, कितने स्टूडेंट्स हैं उस सेंटर पर फिजिकल देने वाले, ठीक है। तो हमारे पास अभी 7-8 दिन बचे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज है भाई आपके लिए, है ना। मुझे पता है हर कोई क्या करेगा, हर स्टूडेंट अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा इसमें, ठीक है। बट हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना भी है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो, 7-8 दिन में आप कुछ ओवर एक्स्ट्रा अचीव नहीं कर पाओगे, बट ज़रूर ये हो सकता है कि आप सब कुछ गवा दो, ठीक है। तो उन चीज़ों पर बात करेंगे। तो बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए। पहले एक बार शेड्यूल मैं आपको बता दूँ मोटा मोटा। GD के फिजिकल चल रहे हैं हमारे पास, MTS का एग्जाम भी हो सकता है मैं आपको बताने के लिए, MTS का और CPU का एग्जाम हो सकता है आपका कोइंसाइड करे, आगे पीछे रहे जो ट्रैवल करने भी जा रहे हैं, खासकर यूपी या बिहार के स्टूडेंट। अगर आपका MTS का एग्जाम ट्रैवल करके आप जा रहे हो एंड CPU का एग्जाम आगे एक दो दिन रह रहा है, तो आप रिक्वेस्ट करके अपना फिजिकल डेट चेंज करा सकते हो। एंड एक और इंपॉर्टेंट बताऊँ, आप रिक्वेस्ट करके ना अपने उस सेंटर पे लास्ट डेट लेना, लोगों को मिलते भी हैं। आप अगर रिक्वेस्ट करोगे, वहाँ पे CFA होता है, मेरे ख्याल से हायर अथॉरिटी जो होती है वो CFA होती है, ठीक है। वहाँ पे एक बार आप देख लेना, बाकी उस सेंटर पे आप अपना जो फिजिकल डेट है उसको लास्ट करवाना, लास्ट डेट लेना उस फिजिकल की। मिल जाती है काफ़ी सारे स्टूडेंट को, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो उसको उससे क्या होगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए जिसका MTS और CPU का कोइंसाइड कर रहा है, बाकी कोई एग्जाम ऐसे नहीं है जो आपके आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आते हैं तो उसके लिए भी सेम यही है कि आपको उस रीजन पे जाके रिक्वेस्ट करनी है, वो चेंज कर देंगे आपके डेट्स, ठीक है। JEE का 6 नंबर को है, CHSL मेंस होगा, देन आपका 18 नंबर को, 9 दिसंबर को आपका कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम होगा, स्टेनो का है 9-10 दिसंबर से 11 दिसंबर, देन 14 से 15 दिसंबर आपका CGL मेंस होगा, ठीक है। CGL मेंस अभी कंफर्म नहीं है, बट ये सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में होगा, तो मेंस के भी आपके इसके बाद ही आएंगे, होपफुली आपके तब तक फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ठीक भी है आपके लिए, उससे होगा कि आप एक माइंड पे फोकस कर पाओगे, एक तरफ फोकस करके अपना मेंस पे उसके बाद लग सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, ओवरऑल ठीक है। अगर आपके CPU जल्दी के फिजिकल जल्दी भी हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड डेट्स हैं, बट स्टिल ठीक है, ये इस टाइम पे आपके फिजिकल हो जाएंगे, ठीक है। शेड्यूल देख लेते हैं एक बार, ईयर रीजन का है, ईस्टर्न रीजन का आपका 14 अक्टूबर से 25 दिसंबर, नॉर्थ रीजन का 14 अक्टूबर से 11 नंबर है, बाकी KKR रीजन का आपका 14 अक्टूबर है, बाकियों के भी अभी आ रहे होंगे, ठीक है। तो वही मैं आपको बता दूंगा अपने चैनल पर। बाकी ये मोटिवेशन के लिए डाला भाई, 2023 का रिजल्ट है आपका, आप देख सकते हैं 71,227 स्टूडेंट्स थे टोटल, जिसमें से 13,650 स्टूडेंट्स आपके एबसेंट थे। मतलब देख सकते हो इसमें एबसेंट क्या होते हैं, देखो उसका रीजन सबको पता है, CGL का एग्जाम हमेशा ही होता है, उसके पीछे लगा होता है, बच्चे एक तरह से मॉक देते हैं, खासकर दिल्ली वाले स्टूडेंट्स मैंने देखा है, वो लोग भाई मेट्रो से जाना है, पास में सेंटर पड़ जाता है, जाके अपना दे आते हैं अपना ये एग्ज़ाम, ठीक है। CPU का Tier 1 एग्जाम दे आते हैं अपना, क्वालिफाइड भी हो जाते हैं वो लोग, वो CGL को एक तरह, CPU को एक तरह मॉक तरह लेते हैं, ठीक है। बाकी वो जाते नहीं है फिजिकल फिजिकल देने, तो देखते हैं 42-43% आपके एबसेंट ही रहते हैं, ठीक है। तो ये मोटिवेशन ही है भाई, आधे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको देखेंगे नहीं फिजिकल, बट स्टिल इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं आपके, ठीक है। टेम्प्रेरी अनफिट एक था, ये मे बी वेट की वजह से हुआ हो, बाकी वेट में करते नहीं है BMI के हिसाब से, वो लोग कर देते हैं फिट, वो मेडिकल में जाके करते हैं, बाकी टेम्प्रेरी अनफिट किया एक को, नॉट क्वालिफाइड 9083, तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। वो इसीलिए होता है भाई, फिजिकल क्वालिफाई कर नहीं पाते हैं, एक टफ एग्जाम है फिजिकल भी, ठीक है। तो ये मोटिवेशन की तरह देखते हो, आधे ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपके फिजिकल देने ही नहीं आते हैं, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड, अभी ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का टाइम है, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है कि 7.5 मिनट आ रही है, 7 मिनट आ रही है, फिजिकल नहीं हो रहा है, जंप नहीं हो रहा है, लॉन्ग जंप नहीं हो रहा है, स्टेमिना नहीं है, दौड़ते रहो, मेहनत करते रहो, बस सिंपल सा ये है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, बस बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखो कि प्रॉपर वार्म अप बहुत जरूरी है भाई, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया, आप बहुत गवा दोगे, बहुत सारी चीज़ें गवा दोगे, लोगे कुछ नहीं पर गवा जरूर दोगे, वो इसलिए क्योंकि इंजरी नहीं होनी है भाई, अभी इस टाइम पर तो इंजरी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बहुत पछताओगे आप। तो वार्म अप करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, हर बार करनी है, रनिंग से पहले और रनिंग के बाद भी, ठीक है। 16 से मीटर आप टाइम आ गया, आप टाइमिंग के साथ लगाओ, ठीक है, कोशिश करो कि जितना हो सके एफर्ट्स डालो, ठीक है, और उस कैटेगरी में आने की कोशिश करो टाइमिंग के साथ, 6.5 मिनट उसको वहाँ तक पहुँचो आप जितना जल्दी हो सके, ठीक है। जिसकी आ भी रही है वो लोग भी अपना प्रॉपर टाइमिंग के साथ अब दौड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें स्लो रनिंग ऐड जरूर करो, ये भी एक तरह का वार्म अप ही होता है आपका, रनिंग करने के बाद अभी आपको वो लॉन्ग रन अप नहीं करना है, ठीक है, और टाइमिंग के साथ दौड़ना स्टार्ट कर सकते हो आप, तो उसी में आप स्लो रनिंग भी ऐड कर दो अपनी 1600 मीटर रनिंग में, ठीक है। टाइमिंग भले ही गाने के साथ लगा दो, बट स्लो रनिंग स्टार्ट कर दो, स्टेमिना भी बूस्ट होगा, वार्म अप भी होता है आपका, प्रॉपर सब चीज़ हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट लेना है ना, मैं आपको बता दूँ, प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है इस टाइम पे, फोन्स को अवॉइड करो आप जितना हो सके, रात में दूर रख के सो जाओ या फिर अवॉइड करो इसको, ठीक है। फोन जितना कम चलाओगे उतना ठीक है, रेस्ट प्रॉपर मिलता है उससे, स्लीप अच्छी होती है, तो फिजिकल भी आपका अच्छा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, प्रॉपर डाइट, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हो तो वो डाइट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बाहर का खाना तो छोड़ दो, तेल वेल की चीज़ें ये सब है ना, डाइट मैंने ऑलरेडी बता भी चुका है आपको, बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी डाइटिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूध हो गया, स्प्राउट्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में लेनी है अच्छे से। एनर्जी ड्रिंक्स का मैंने अभी डाल दिया है, बट ये
लास्ट के लिए होता है, मैं अभी बता दूंगा आपको। मैंने पर्सनली यूज़ किया, एनर्जी ड्रिंक से फ़ायदा होता है, मैंने पहले पहले भी वीडियो में बताया आपको। बहुत सारी एनर्जी, अच्छा इसमें पॉइंट लिखा भी है मैंने, बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स आती है, आप यूज़ कर सकते हो। रेड बुल, हेल मॉन्स्टर, ये सारी रेड बुल मैंने पर्सनली यूज़ की है। थोड़ी महंगी होती है, 120 या 130 की होती है, बाकी अच्छी होती है, ठीक है, यूज़ कर सकते हो ये लास्ट डेज के लिए आपके लिए, ठीक है। इसको पी के ये होता है, एक मोटिवेशन आ जाता है आपके अंदर और फ़र्क पड़ता है इसमें, ठीक है, एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। देन ये उनके लिए जिनकी हाइट थोड़ी कम है, कुछ लोग अभी भी यहाँ पे ऐसे होंगे जिसकी 169 पॉइंट कुछ हाइट होगी या फिर 169 ऐसे कुछ होगी, और 170 थोड़े पॉइंट 1.2 वाले होंगे, उनके लिए है खासकर। अपने बाल बढ़ा लो भाई, ठीक है, बाल बाल मत कटवाना, अभी स्ट्रेचिंग करते रहना प्रॉपर। जब आपकी हाइट वहाँ पर मेजरमेंट होता है तो स्ट्रेचिंग करके जाना भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसकी हाइट का इधर उधर पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, उसके लिए उनको लिए बता रहा हूँ मैं ये कि आप अपने थोड़े बाल मत कटवाना, ठीक है, बाल जितने बड़े होते हैं ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग भी ठीक होते हैं, वो लोग आपके साथ कोऑपरेट करते हैं वो, ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर कुछ भी पॉइंट ऊपर नीचे होता है वो कर देते हैं क्वालीफाई, मैंने देखा है काफ़ी जगह। तो हेयर्स अपने इंक्रीज़ कर लेना भाई, बाल बाल मत कटाना आपके, जिसके थोड़ी भी हाइट का थोड़ा नीचे फ़र्क है, ठीक है। पुशअप्स को इंक्रीज़ करना है, ये चेस्ट वालों के लिए, अगर आपको लगता है आपकी चेस्ट नहीं हो रही है उतनी, इंक्रीज़ नहीं हो रही है, एक्सपेंड नहीं हो रही है, तो पुशअप्स लगाना स्टार्ट कर दो। पुशअप्स में तो इतना कुछ वो है नहीं, पुशअप्स जितने हैं लगाना स्टार्ट कर दो, जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके पुशअप्स अपने इंक्रीज़ करो, ठीक है। मास्टरबेशन अवॉइड करना भाई, अभी जितने टाइम आपके पास रह गया है, कोशिश करो कि दोस्तों के साथ, मतलब दोस्तों के साथ रहो या फिर फैमिली वगैरह के साथ ऊपर नीचे बैठो, अकेले मत रहो, ठीक है, ये चीज़ें इफेक्ट करती है, ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है आपको। एनर्जी ड्रिंक का मैंने बता दिया, रेड बुल, हेल मॉन्स्टर, बहुत सारी आती हैं, आप चेक कर सकते हो, जो आपको सूट करे उसे यूज़ कर सकते हो। मुझे पर्सनली लगता है कि एनर्जी ड्रिंक फ़ायदा करती है, मैं रनिंग की है मैंने, एनर्जी ड्रिंक पी के और क्वालीफाई भी किया है, ठीक है, तो एनर्जी ड्रिंक्स आप पी सकते हो। ये फिजिकल का है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है फिजिकल वाले दिन, एडमिट कार्ड अपना ले जाना है, ओरिजिनल में ले जाना है, ठीक है, कोशिश करना ओरिजिनल में ले आओ, मतलब कलर्ड ले आओ, ठीक है। फोटोज मैच होनी चाहिए, 5 फोटो ले आनी रिसेंट आपकी, पासपोर्ट साइज, आईडी कार्ड ले आना है ओरिजिनल, डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए, आपको पता है जो आप एग्जाम के टाइम ले जाते हो, ठीक है। बाकी जिस जो भी रिलैक्सेशन ले रहा है हाइट में, चेस्ट में, खासकर वो हिल एरियाज वाले, वो लोग अपना फॉर्मेट जरूर ले आना, एससी का जो फॉर्मेट होता है ओरिजिनल में ले जाना है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, एंड कोशिश करना कि 2 फोटो कॉपीज भी ले जाओ इसके साथ, ठीक है, 2 कॉपीज भी ले आने। बाकी अभी मैं बता दूंगा कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, मैंने देखा नहीं, एडमिट कार्ड में भी आपको क्लियरली लिख के मिल जाएगा वहाँ पे क्या क्या ले जाना है, कैरी करना है, वो एक बार जरूर देखना है, ठीक है। बाकी मोटा मोटा यही चीज़ आपको ले जाना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना है, जिसको दिल्ली वाले, जिसको अपना दिल्ली पुलिस का जो करना है, जिसको जिसके पास है DL, वो ले आना। अगर आप नहीं है आपके पास, तो आप बाकी CAPF पोस्ट के लिए क्वालीफाई करोगे, बट दिल्ली पुलिस के लिए नहीं करोगे, ठीक है, तो DL ओरिजिनल ले जाना है। DL की कॉपीज वो लोग रख लेते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। फिजिकल में आप बॉटल कैरी कर सकते हो अपना, ग्लूकोज वगैरह उसमें डाल के वो कैरी कर सकते हो, एनर्जी ड्रिंक्स ले जा सकते हो, कोशिश करना कि किसी और बॉटल में कर लेना, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह कैरी कर सकते हो, कंफर्टेबल क्लोथ्स लेना, सपोर्टर्स लेना, जो भी आपको लगे ठीक ठाक, वो सब अपना फिजिकल के टाइम पर कैरी कर सकते हो, ठीक है। बहुत टाइम मिलता है वहाँ पर, सुबह से शाम हो जाती है। जो वॉचेस का पूछते हैं, मैंने काफ़ी वॉचेस का क्लियर नहीं है भाई, है ना, ऐसी जगह मैंने देखा है बच्चे वॉचेस पहन के कैरी, सिंपल वॉचेस जो होते हैं वो लेके रनिंग कर रहे हैं, बट अवॉइड करेंगे वो आपको, ठीक है, मतलब यूज़ नहीं करने देंगे वॉचेस, मुझे लगता है आपको सेंटर्स में, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो वॉचेस का जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वॉचेस पहन के रनिंग कर सकते हैं कि नहीं, उसका मुझे भी क्लियरली पता नहीं है भाई, ठीक है, बट कोई लोग कहते हैं कि किसी किसी सेंटर में चल जाता है, बट ज़्यादातर आपको उतरवा देंगे वो घड़ी, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स हैं आपका, ये मैंने पहले ही बताया था, 14 अक्टूबर से आपके, 2 सितंबर को आपका रिजल्ट आ गया था, 14 अक्टूबर, तो वही ट्रेंड चल रहा है, एक एक महीने में आपके फिजिकल हो रहे हैं, बट हम लोग उसी पे थे कि GD का फिजिकल चल रहा है, तो मे बी आपके एक्सटेंड हो जाएंगे PET डेट, बट ऐसा नहीं हुआ है, 14 अक्टूबर को आपके PET डेट है, तो वही एक महीने के गैप के बाद लगभग दिसंबर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा PST का, एंड अगले 1-2 महीने में आपका पेपर 2 भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो यही सब अभी प्रीवियस ट्रेंड से आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, अभी एडमिट कार्ड जरूर देख लेना, जिसका एडमिट कार्ड है उस पर लिखा होगा सारे इंस्ट्रक्शन, सेम यही है सब कुछ, यही सब कैरी करना होता है, ये सब चीज़ें आप ले जा सकते हो अपने साथ जब आपका फिजिकल होगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर फिजिकल करना है, ग्राउंड्स में करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, बट उसके बाद इन सब चीज़ों का डाइट करो, डाइट वगैरह का या फिर प्रॉपर स्लीप का, ये बहुत ज़रूरी है आपके पास अभी ये 7-8 दिन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन ले लो भाई, आधे से आधे बच्चे तो आएंगे ही नहीं आपके फिजिकल में, ठीक है, यही इस बार भी यही होगा सेम, क्योंकि मेंस की तैयारी में लगे होंगे अभी तो सारे, ठीक है। बाकी ये CPU का शेड्यूल है, जितना आएगा मैं आपको, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको ये शेड्यूल भी डाल दूंगा इधर चैनल पे, जैसे जैसे आपके बाकी रीजन्स के आते रहेंगे, ठीक है। अपकमिंग शेड्यूल आपने देख लिया होगा, तो यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बतानी थी मुझे, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा आपका CPU के रिलेटेड तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।